हाय गाइस, ये फाइनली बुक आ चुकी है। कौन सी बुक की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं सीए इंटरमीडिएट या आईपीसीसी की चार्ट बुक वर्जन 3.0। यस, फाइनली वर्जन 3.0 इज नाउ रेडी। मैं और दामिनी हमेशा क्या करते हैं कि जब भी हमारी पहली बुक आती है, हम कोशिश करते हैं कि जब भी हमारी बुक प्रिंट होती है तो पहली किताब हम भगवान को अर्पित करें। तो ये जस्ट पहली किताब आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। मैंने मंदिर में तो रखी ली थी, फिर मुझे लगा कि मैं कम से कम आपको बताऊं कि ये किताब कैसी है। सो फाइनली मतलब बहुत ही जबरदस्त डिजाइन आया है। मतलब इसके लिए एक्स्ट्रा थैंक यू हमारी वी स्मार्ट ग्राफिक टीम को। सो बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस बार मैंने बुक में क्या चेंजेस किए हैं। पिछली बार से मैंने इस बुक में जो भी स्पेलिंग करेक्शंस थी, कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स थी, मैंने उनको ठीक किया है। प्लस मैंने इस बार 4 से 5 टॉपिक्स ऐड किए हैं। ये बुक ना सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की है, बल्कि अब इस बुक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी कवर होते हैं। ग्रुप 2 के चैप्टर्स जैसे ईसॉप कंसोलिडेशन पहले ही कवर होते थे। ग्रुप 1 के चैप्टर जैसे इंश्योरेंस क्लेम, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, डिविजिबल प्रॉफिट पहले से ही कवर होते थे। बट इसमें अब बोनस इशू, राइट इशू, ये भी कवर होने लगेगा। बायबैक को भी मैंने कवर कर दिया, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को कवर कर दिया। मैं आपको झलक दिखा रहा हूं एक हमारी किताब की। ये आपको फर्स्ट पेज पे ऑथर्स दिखेंगे। ऑथर्स मतलब मैं और मेरी बीवी। उसके बाद ये पूरा इंडेक्स चल रहा है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और शायद ये थर्ड पेज तक इंडेक्स जा रहा है। कुल मिला के 29 टॉपिक्स हैं इस बार, ठीक है ना। पहले शायद ये 23 टॉपिक्स थे, 23 या 25 टॉपिक्स थे। तो ये फाइनली बुक इस तरीके से दिख रही है, चार्ट बुक इस तरीके से दिख रही है। आपको याद होगा हमने चार्ट बुक का गिव अवे किया था, मतलब विद इन 8 to 10 आवर्स 1000 बुक्स सोल्ड हो गई थी और उसके बाद हमारा स्टॉक भी खत्म हो गया था। उसके बाद फाइनली अब नया स्टॉक बन चुका है और अब हम इस बुक को फाइनली मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से बुक है। अच्छी बात क्या है, इस बार मैंने बुक के फ्रंट पे ही लिखवा दिया है कि ये बुक ना सिर्फ इंटर वाले बच्चे बल्कि आईपीसीसी के बच्चे भी ले सकते हैं। यस, क्योंकि इसमें आईपीसीसी वालों के भी सारे टॉपिक कवर है। मतलब जितने भी इसमें टॉपिक है वो सब आईपीसीसी वाले भी देख सकते हैं। क्यों ऐसा किया? आईपीसीसी वालों का लास्ट अटेम्प्ट है यार, उनके लिए भी तो कहीं ना कहीं बनना चाहिए। तो ये बुक अब मार्केट में अवेलेबल है। अच्छी बात क्या है, 15 फरवरी तक अगर आप इस बुक को ऑर्डर करते हो तो ₹200 का बुक प्लस ₹50 का शिपिंग चार्जेस, मतलब ₹250 तक आपको मिल जाएगा। अगर आपके सिटी में कोई वी स्मार्ट सेंटर है तो ₹50 बचा लो, मतलब 200 में मिल जाएगा। 15 फरवरी के बाद मुझे मत कहना कि सर हम तो ये बुक खरीदना चाह रहे थे पर सर तकलीफ हो गई, सर वो ना ऑफर आपका वापस आएगा क्या? वापस नहीं आने वाला, मैं इस बुक का प्राइस बढ़ा रहा हूं। यस, मैं इस बुक का प्राइस ₹200 से बढ़ा के मैं ₹400 कर रहा हूं और 49 मतलब ₹50 का शिपिंग तो रहेगा। तो ये बुक 250 की जगह पे 450 की हो जाएगी, ₹200 से बढ़ जाएगी। 15th ऑफ फरवरी तक का ऑफर है, तो आप देख लो आपकी अच्छा। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट के कोर्सेज ऑर्डर कर रहे हैं, कोर्सेज ऑर्डर करने का सोच रहे हैं या ऑर्डर कर लिए होंगे जिनको अभी तक बुक्स नहीं मिली है, जैसे रेगुलर कोर्सेज, फास्ट ट्रैक कोर्सेज, वो कृपया करके ये बुक ऑर्डर ना करें क्योंकि उनको कोर्सेज के साथ ये बुक मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, अगर आप बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए रिकमेंड कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट करना चाहते हो, तो ये गिफ्ट का भी ऑप्शन बहुत शानदार है। हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, वैसे भी वैलेंटाइन डे तो आ ही रहा है, तो यार अगर वैलेंटाइन डे आ रहा है और तुम्हारे ऑफिस में या फिर तुम्हारे साथ कोई है जो सीए करता है तो उसको ये गिफ्ट दे सकते हो। सोचो ₹500 में निपट लोगे और बस बेस्ट गिफ्ट, मतलब सामने वाला याद रखेगा, सालों तक उसको रेफर करता रहेगा। इससे बेस्ट गिफ्ट वैलेंटाइन का नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूं, ठीक है। और वो भी सिर्फ ₹250 में। उसके बाद ये गिफ्ट महंगा हो जाएगा, फिर देख लेना तुम्हारी मर्जी। तो बच्चों देख लो, ऑर्डर करना है ऑर्डर कर लो, vsmartacademy.com वहां पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आपके सिटी में अगर कोई सेंटर है तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ये बुक देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपने कमेंट्स जरूर लिखना और मुझे बताना कि ये बुक आपको दिखने में कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच गाइस।